हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो हमारा ये काम है कि आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग बोल देना है। और आप तक मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग प्रीमायर पे आ चुके होंगे। लाइव वीडियो तो नहीं है बल्कि प्रीमायर आप लोग आ चुके होंगे और इसका इन्जॉय करो। फिर आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है भाई, सेकेंड डे। आपने फर्स्ट डे देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 10 से ज़्यादा कराओ, लेकिन कह दीजिए ध्यान दो यहाँ पे, 10 से ज़्यादा कराना। मैं आपको 10 वन वर्ड दे दिया, इसका मतलब आपको यही लगता है कि आज आपको 10 वन वर्ड ही याद करने। नहीं ना, आपको जो इंग्लिश ग्रामर दे रहा हूँ मैं, मैथ की क्लास करा रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को, आपको जीके जीएस का भी चल ही रहा है, उन सभी चीज़ों को, और साथ में जो मैंने 100 जो आपको पहले वर्ड मीनिंग करा दिया, जिसमें आपको टोटल 200 वर्ड मिले हैं, उन सभी वर्ड मीनिंग को कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा नहीं ना, वो रिविजन में आप ही को लाना है ना। तो अभी कहीं देखो, सबसे देखो डेली जो है ना, नया पढ़ने से अच्छा है ना कि हम डेली थोड़ा सा नया पढ़ें, बाकी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको एक बार रिवीजन में ले आए। बिकॉज आपका बेस कंप्लीट जब तक नहीं रहेगा, बेस मजबूत नहीं रहेगा, तो नया सीखने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप नया सीखोगे, पुराने चीज़ों को भूल जाओगे। तो पीछे जितना अभी तक पढ़ रखा है उसके डेली जो आप रिविजन करो, टाइम रहते ही रिविजन करते रहो एग्जाम तक। बिकॉज इस बार सिलेक्शन लेना है आपको ना, सिलेक्शन लेना है ना, कि बस एग्जाम क्लियर करके फिजिकल में या फिर मेरिट लिस्ट में हमें छट जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट तक टिकना है, सिलेक्शन तक, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना होगा, ठीक है। चलो, तो बहुत बातें हो गई और आज का हमारा डे जो हमारा डे टू स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी जो मैं फिर से बोल दूँ, सारी वन वर्ड जो हमारा यहाँ पे केडी पब्लिकेशन बुक से है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखिए, अब तो 11 नंबर देखते हैं आज हमारा। कल से 10 तक हमने कर लिया था, कल तक, आज 11 से 20 करना है ना। सबसे पहला गाइस क्या हमारा, अभी छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, चलो अब बड़ा दिख रहा है आपको, अडेंडम, ठीक है। ADDENDUM, अडेंडम मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, टेंशन मतलब शुद्ध हिंदी है अगर। तो सबसे पहले तो आप इसकी स्पेलिंग याद करो, बिकॉज ये क्या रिपीटेशन वाली है। देखो यहाँ पे डी 3 बार आ गया है, तो ऐसी वर्ड जो है आपको मिस स्पेल्ड या फिर स्पेल्ड वाला रॉन्ग, मतलब वर्ड मीनिंग छाटने वाला जो देते हैं ना, रॉन्ग स्पेल्ड बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो उसे, जैसे मिस स्पेल्ड बोलते हैं उसे, आप लोग कुछ और नाम से बोलते हो, कमेंट करके बोलते हो, तो वो जो आपका है ना, ये ऐसी ऐसी मीनिंग को दिया जाता है, जो कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कल से ही बोल रहा हूँ इस बात को। आप लोग इन सभी की वर्ड को भी अच्छे से याद करो, मतलब अच्छे से जो है हमारा स्पेलिंग वाइज याद करो, ठीक है। अडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। अब परिशिष्ट का मतलब क्या होता है, देखो, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC, मतलब देखो बुक के लास्ट में, ठीक है, जो चीज़ ऐड की हुई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो किसी भी बुक के लास्ट में उठा के देखना, जैसे कि किसी किसी बुक में, अच्छी अच्छी बुक में होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा सारा चैप्टर का नाम दिया होता है, वैसे ही किसी किसी बुक के लास्ट में जो होती हैं, आपका लास्ट में समरी दिया हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, परिशिष्ट या फिर अडेंडम, ठीक है ना। चलो अब 12 नंबर देखो गाइस क्या हमारा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, ADVERTISEMENT, इस वर्ड को भी अच्छे से याद करो, एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ये भी आपको मिस स्पेल्ड में देने वाली जो है, बिल्कुल भी देने वाले, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला वर्ड है ना एडवर्टाइजमेंट, तो ऐसी ऐसी वो वर्ड को दिया जाता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब तो आप सभी को पता होगा, विज्ञापन करना है ना। अब सेंटेंस से पता चलेगा, ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग में बुलाने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बोल रहा है कि प्रचार कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मैं किसी चीज़ को संस्था को लेकर या फिर अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ लोगों के बीच में जाके, भैया अभी खरीद लो मेरा प्रचार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसे क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, विज्ञापन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो आप सभी को पता ही होगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं 13 तक। 3 नंबर, एफोरेस्टेशन, ठीक है ना, इस वर्ड को भी बहुत अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग वाइज, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनारोपण, मतलब वृक्षों को लगाना, बहुत सारे वृक्ष का जो हम क्या करते हैं, लगाते हैं, वो खेती करने की बात नहीं की जा रही है, वृक्षरोपण को कहते हैं, जैसे हम वो सारे वृक्ष को लगाएंगे जो काफी वर्षों तक टिके रहेंगे, ठीक है ना, उन सभी को क्या कहते हैं, वनारोपण। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मैनी ट्रीज, ठीक है ना, फॉरेस्टेशन का ही मतलब वही होता है, क्या होता है, वनारोपण, या फिर आप बोलो एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम चीज है यहाँ पे गाइज। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा 14 नंबर में, 14 हमारा क्या, एजेंडा, ठीक है ना। एजेंडा का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र। एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र, मतलब आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, ठीक है ना। चलो किसी चीज को क्या करते हो आप लोग, एजेंडा, जैसे घोषणा पत्र में बता देता हूँ, स्कूलों में क्या आप लोग को बाहर कभी कभी नोटिस बोर्ड सटता होगा, ठीक है ना, जब स्कूल टाइम हो गए, कॉलेज टाइम हो गए, तो वैसे टाइम पे क्या होता है, नोटिस बोर्ड एक सटता था, है ना,
तो उस टाइप को, वो सभी चीजें क्या होती है, घोषणा पत्र होता है, ठीक ना, एजेंडा, या फिर एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा भी होता है, मीटिंग में जैसे बुलाना, मीटिंग में बुला के बैठाना, किसी मुद्दे पर टॉपिक करना, तो पूछता है कि आज का एजेंडा क्या है भाई, किस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले, तो ये सभी चीजें क्या है, एजेंडा के अंतर्गत आ जाती है। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है 15 नंबर में, एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब क्या होता है, आक्रमणकर्ता, मतलब समवन हु अटैक्स फर्स्ट। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बात बात पे झगड़ा करने पे तुल जाते हैं, मतलब क्या आप कुछ उससे बस बात ही कर रहे हो, आप टेंशन में होके वो आप पे तुरंत हाथ उठा देता है, मतलब लड़ जाता है आपसे, वही हम लोग यूज करते हैं। देखो ना, वो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही एग्रेसर है, एग्रेसिव है, ठीक है, बात बात पे क्या करता है ना, लड़ जाता है किसी से, आक्रमण कर देता है। आक्रमण क्या मतलब, हम लोग तो आक्रमण यूज नहीं करते हैं, मतलब बोलते हैं पहले ही अटैक कर देता है, लड़ जाता है, वही चीज है। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, उसे क्या बोलते हैं, एग्रेसर, मतलब फास्ट क्या, एकदम लड़ाई झगड़ा करने पर एकदम तुला रहता है जो, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, 16 नंबर, एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिसिज्म मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, मतलब वो मानता ही नहीं है, ये उसे हमेशा डाउट में रहता है भगवान है भी कि नहीं, या फिर ऊपर वाला जो गॉड है भी कि नहीं है, इस बात को डाउट करता है, ठीक है ना, वो विश्वास, मतलब ऐसे कर लो कि वो कंप्लीटली बिलीव भी नहीं करता है और इग्नोर भी नहीं करता है, मतलब वो उसे बार बार डाउट होते रहता है उसे भगवान के अस्तित्व पर, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति, ठीक है, भगवान के अस्तित्व या फिर उपस्थिति, उसे लगता है कि भगवान है भी कि नहीं, यहाँ पे वही चीज़ है, उस पर क्या करना, डाउट करना, ठीक है ना, उसे को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिसिज्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, एलियन। एलियन के बारे में तो हमने पढ़ा था, वोकैब जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा फर्स्ट डे ही वोकैबुलरी का, हमने जब डे 1 पढ़ा था वोकैबुलरी का, उसी में हमने एलियन के बारे में पढ़ा था। एलियन वो जादू नहीं है, वो एलियन, ठीक है, वो भी एलियन ही है, मतलब वो भी किसका मतलब क्या होता है, गैर नागरिक, ठीक है ना, मैंने उस टाइम ही बताया था क्लियर कि जो हमारे मुल्क का ना हो, हमारे मुल्क का ना हो, हमारे ग्रुप का ना हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो अनजान हो, अननोन हो, उसे क्या बोलते हैं, एलियन में बोलते हैं। वो जो क्रिस मूवी में, क्रिस नहीं, आपको कोई मिल गया, मुझे जादू आया था, वो भी क्या था, हमारे लिए एक तरीके से अनजान था, हमारे ग्रह का नहीं था, ठीक है ना, हम उसे पहचानते ही नहीं थे, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, एलियन। जो विदेशी लोग हैं, फॉरेनर लोग भी हैं, उन्हें भी हम बोलते हैं क्या, एलियन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एलियन का नाम समझने से वैसे मतलब कि मुंह टेढ़ा वड़ा होगा, गाय भैंस की तरह, जानवर की तरह होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, एलियन का मतलब ही होता है गैर नागरिक, अननोन, जो हमारे लिए हो, ठीक है ना, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। चलो रेस मतलब क्या होता है, ये रेस मतलब होता है जाति, जो हमारी जाति और ग्रुप से क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना, मतलब सिंपली बोले तो जो हमारे लिए अननोन हो। अब देखो 18 नंबर क्या है, एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है, तलाक के बाद दी जाने वाली रकम। जैसे देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या तलाक होता है जब, तो क्या होता है, हस्बैंड को कुछ प्रॉपर्टी वाइफ को देना होता है सर्वाइवल के लिए, मतलब उसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी देनी जाती है, ठीक है ना। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, मतलब पत्नी को कुछ पैसे रकम दिए जाते हैं, कब, डिवोर्स के बाद, मतलब तलाक के बाद, है ना, ताकि वो अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सके, उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। 19 में क्या गैस, एलिगोरी, ठीक है, एलिगोरी का मतलब क्या होता है, प्रतीक कथा, प्रतीक कथा, प्रतीक मतलब सिंबल, किस चीज का सिंबल होना, ठीक है ना, एलिगोरी का मतलब वही होता है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, मान लो कोई स्टोरी किसी व्यक्ति की, जैसे हम भगत सिंह की कहानी सुनाते हैं, जब जैसे हम बोले कि सुपर हीरो के बारे में बात करें, देश पे जैसे देश पे जान न्यौछावर की बात करें, तो हम भगत सिंह की कहानी बताते हैं, तो भगत सिंह हमारे लिए क्या, एक सिंबल बन चुके हैं सुपर हीरो के तौर पे, ठीक है ना, कि जो जिन्होंने देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए, है ना, उनके बारे में बात की, तो वो एक सिंबल, जिस तरीके से कहानी सुना रहे हैं हम भगत सिंह के बारे में, या फिर उधम सिंह के बारे में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इटिस जितने भी, वैसे एक सिंबल के तौर पर हो गए कहानी, तो उसे क्या कहते हैं, हम एलिगोरी कहते हैं, प्रतीक कथा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर, किसी भी कहानी जो कि हमें सिंबल उससे मिलता हो कुछ ना कुछ। अब देखो 20 नंबर क्या वाला हमारा, 20 नंबर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या मतलब, अनुप्रयास, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, जैसे क्या हुआ, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप किसी वर्ड को क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो जो क्या कर रहे हैं बार बार, मान लो कि शुरू में आपने क्या किया, कुछ लिखा, मान लो कि जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, शुरू में जिस चीज़ से लिखे हैं वही चीज़ हमारा बार में फिर क्या हो रहा है, शाम को भी, लास्ट में भी क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, सेम जो लेटर अगर रिपीट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, अनुप्रास, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा अब तक, मैं हिंदी में उतना क्लियर डिफाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, बस ये समझ लो कि एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा हो, या फिर सेम लेटर,
शुरुआत में भी यूज किया गया हो और लास्ट में भी यूज कर दिया गया या फिर बीच में भी यूज किया हो, वही चीज है। कमेंसमेंट का मतलब ही होता है शुरुआत या फिर आरंभ, जो आरंभ में या फिर शुरुआत में जिस वर्ड का यूज किया गया उसका फिर से यूज किया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रयास या फिर एलिट्रेशन। सो गाइज, आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है क्लास, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब वेट करो आप लोग नेक्स्ट आपका मैथ क्लास का, फिर आपका इंग्लिश जीके ये सब चलते रह रहा है, 8 बजे जीके आपको मिल रहा है पॉइंट ऑफ एग्जाम पर, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। चलो गुड बाय, आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं हम लोग।